इंटीग्रेशन वन ओवर वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स वन प्लस कॉस टू एक्स को हम लिख सकते हैं टू कोस केयर एक्स इंटीग्रेशन वन ओवर टू कोस केयर एक्स डी एक्स वन ओवर टू कॉन्सटेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आएगा वन ओवर कॉस केयर एक्स ये होता है सीकेंड स्केयर एक्स डी एक्स वन ओवर टू सीकेंड स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेन एक्स प्लस कॉन्सटेंट इंटीग्रेशन वन ओवर वन माइनस कॉस टू एक्स डी एक्स वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन स्केयर एक्स इंटीग्रेशन वन ओवर वन माइनस कॉस टू एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं टू साइन केयर एक्स टू साइन स्केयर एक्स डी एक्स वन ओवर टू कॉन्स्टेंट है तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर लिखेंगे वन ओवर साइन केयर एक्स को कोसिकेंट स्केयर एक्स डी एक्स वन ओवर टू को कोसिकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्सटेंट इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू एक्स ओवर वन प्लस कॉस टू एक्स डी एक्स वन माइनस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला होता है टू साइन केयर एक्स और वन प्लस कॉस टू एक्स का फॉर्मूला टू कोस केयर एक्स अगर यहाँ पे माइनस है तो साइन केयर आएगा अगर प्लस है तो कॉस केयर इंटीग्रेशन वन माइनस कॉस टू एक्स की जगह पे लिख सकते हैं टू साइन केयर एक्स ओवर वन प्लस कॉस टू एक्स की जगह पे टू कोस केयर एक्स वन माइनस कॉस टू एक्स की जगह पे टू साइन केयर एक्स वन प्लस कॉस टू एक्स की जगह पे टू कॉस केयर एक्स डी एक्स टू से टू कैंसिल इंटीग्रेशन साइन केयर एक्स ओवर कोसकेयर एक्स टैन स्केयर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टैन स्केयर एक्स को हम लिख सकते हैं सीकेंड स्केयर एक्स माइनस वन डी एक्स सीकेंट स्केयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टैन एक्स वन का इंटीग्रेशन एक्स प्लस कॉन्सटेंट इंटीग्रेशन कॉस इन वर्स साइन एक्स डी एक्स साइन एक्स को हम लिख सकते हैं साइन एक्स इज़ इक्वल टू कॉस नाइंटी माइनस एक्स इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स साइन एक्स की जगह पे कॉस नाइन्टी माइनस एक्स डी एक्स कॉस कॉस इनवर्स कैंसिल इंटीग्रेशन नाइन्टी माइनस एक्स डी एक्स पाई ओवर टू कॉन्सटेंट है इंटीग्रेशन वन डी एक्स माइनस एक्स डी एक्स पाई ओवर टू वन का इंटीग्रेशन एक्स माइनस एक्स की पावर वन है तो इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन वन एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन एन की वैल्यू वन है तो वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन प्लस कॉन्सटेंट Pi over 2 x minus x square over 2 plus constant.